क्वेश्चन थ्री में बोला कि टेन टू ए इक्वल टू है कोट ए माइनस 18, टू ए क्यूट एंगल है तो फाइंड ए कीजिए। तो सबसे पहले तो मुझे फार्मूला याद होना चाहिए कि क्या टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कोट थीटा, एंड कोट 90 माइनस थीटा होता है आपका तो टेन थीटा। मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसको कैसे चेंज करूँगा मैं, तो टेन टू ए, टेन यहाँ पे थीटा की जगह टू ए को रिप्लेस किया गया है, ठीक है। तो टेन इसको हटा के मैं ये लिख सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ। तो टेन टू ए को कैसे रिप्लेस करूँगा कोट में, तो कोट 90 माइनस टू ए इक्वल टू ये एज इट इज कोट ए माइनस 18। ओके सोल्व करेंगे, 90 माइनस टू ए इक्वल टू ए माइनस 18, ठीक है। 19 ट्रांसपोजिशन करेंगे प्लस 18 इधर आगे प्लस इक्वल टू ए, टू ए इधर आगे प्लस टू ए, थ्री ए इक्वल टू 108, ए इक्वल टू सोल्व करेंगे 108 इज डिवाइडेड बाई 3, तो 3 3 9, ठीक है, 3 6 18, तो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 36 डिग्री। क्वेश्चन नंबर फोर में उसने बोला कि टेन ए इक्वल टू कोट बी है, तो प्रूव कीजिए ए प्लस बी 90 डिग्री होगा। तो किसी एक को रिप्लेस कर लेते हैं, तो टेन ए को क्या लिखता हूँ मैं, कोट 90 माइनस ए इक्वल टू कोट बी। तो ये सोल्व करेंगे इसको, 90 माइनस ए इक्वल टू बी एंड 90 डिग्री इक्वल टू ए प्लस बी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है वो क्वेश्चन नंबर थ्री जैसा ही है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो वो कह रहा है कि ये एक रिलेशनशिप गिवन है सेक और कोसेक में, तो बोला कि फोर एक्यूट है तो ए को फाइंड कीजिए। तो सेक को चेंज कर लेता हूँ मैं, इस सेक को कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको लिखता हूँ कोसेक 90 माइनस फोर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं इसको, 90 माइनस फोर ए इक्वल टू ए माइनस 20, 90 प्लस का 20 इक्वल टू ए प्लस 4a, यानी 5a इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 110। तो a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो a होगा मेरा 110 अपॉन 5, a हो जाएगा 5 2 10 5 2 10 आंसर। क्वेश्चन सिक्स में कह रहा है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, उसके तीन इंटीरियर एंगल गिवन है, तो हमें ये शो करके दिखाना है कि ये रिलेशन इस रिलेशन के इक्वल होगा। तो सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले क्या है, ट्राइंगल के तीन एंगल दिए हुए हैं, तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा सकता हूँ, दैट इज़ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब ट्रांसपोजिशन करूँगा, तो जो मुझे प्रूव करना है उसकी तरफ देखो एक बार, क्या है उसमें बी प्लस सी को लेफ्ट साइड में और ए को राइट साइड में लेके गया, तो हम भी ऐसा ही कुछ करते हैं, ठीक है। तो एंगल बी इसको डिवाइड करता हूँ मैं, डिवाइड बाय टू बोथ साइड, दोनों साइड में टू से डिवाइड करता हूँ, उसने टू से डिवाइड किया हुआ है, तो ये हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी ओवर टू इज इक्वल टू हो जाएगा 180 को टू से डिवाइड करूँ दैट इज 90 एंगल ए बाय टू। अब उसने बोला है कि अब लेफ्ट साइड में चेक करेंगे, तो उसने बोला कि साइन और लगाया हुआ उसने, ठीक है। तो अप्लाइंग साइन एंगल बोथ साइड, तो लगा दो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस सॉरी बी प्लस सी ओवर टू इक्वल टू साइन 90 माइनस ए ओवर टू, ठीक है। ये एज इट इज आएगा, बी प्लस सी ओवर टू इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कोस थीटा,
एंड हैंस प्रूव्ड।